नमस्कार बेटे, नमस्कार ठीक हो? बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है भाई, बढ़िया भाई। और परवीन न दे दे आम्हाला भी पण आणि कोई नाही वो हात मले रे वले बहुत हो गए भाई, उतार लो नहीं पहले वाड़िया न। अब रो तू मी बिटू ले ले। अच्छा चले बिटू हर रहे ये देख ये देख ये टॉपी देख ये टॉपी और के नहीं आएंगे ये रही ये रही इधर है। जाहिर ही बात है कि खुश तो हैं ही हम इस बात पे, लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत लंबा समय हमने बिताया और राजनेताओं ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारे जो समाज के जो कुछ स्वयंभू लीडर थे उन्होंने भी इस तरफ गौर नहीं किया। अभी भी काफ़ी लड़के जेलों में हैं। खैर मेरे अभी आने से अभी कुछ देर पहले ही मुझे खबर मिली है कि भाई दो और लड़के गौरव बुधवार और हरिओम की अभी अभी जमानत हुई हाईकोर्ट से, वो भी जल्द ही बाहर होंगे। बावजूद इसके अन्य लड़के भी अभी अंदर हैं, उम्मीद करेंगे जल्द ही वो भी बाहर आ जाएँ। हिस्सेदारी होना अलग बात है और हमारा उस जो वायलेंट हुआ उसमें पार्टिसिपेट करना अलग बात है। हम कभी भी इस ऐसी आक्रामक स्थिति में कभी नहीं जाना चाहते थे और ना हमने हिंसा का सहारा लिया। हम अपने जो आंदोलन था, जो हमारे हक था समाज का, उसके लिए लड़े थे। हम ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद जो है हमें झूठा घसीटा गया इसमें और झूठे मुकदमे हम पे लगाए गए। हाँ प्रेजेंस थी, मैंने कभी इनकार नहीं किया, अदालत में भी मैंने स्वीकार किया, लेकिन वो प्रेजेंस थी अधिकारियों के द्वारा भेजे जाने पर और मैंने हर संभव प्रयास किया उस घर को बचाने के लिए और उसका नाम मुझे मिला ये लंबी जेल। और मेरे जैसे अन्य सैकड़ों लड़के वो भी जेल में इसी तरह सड़ रहे हैं सिर्फ सरकार के इस दोहरे रवैये के कारण। जबकि स्पष्ट है कि मैंने वहाँ पर जो बातें की थी प्रशासन से, DC से, सबकी ऑडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है और कोर्ट भी मैं पेश कर चुका हूँ उन चीज़ों को। मैं उसमें बचाने गया था, मेरे पास गवाह भी हैं, लेकिन ना तो अदालत ने ये बातें सुनी और ना ही किसी सरकार ने। काफ़ी समय बाद न्याय मिला। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, लेकिन फिर भी राहत की बात है कि अब तो आए कम से कम और देखते हैं कुछ बेहतर अगर होगा सरकार में। अभी देखो जजपा का इसमें शामिल होना, हो सकता है कुछ ऐसे संयोग बनाए कि सरकार केस वापस लेने के लिए कुछ सोचे, तो हो सकता है हमें राहत ज़्यादा मिले।